नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हेल्प के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आपके पास कोई पुराने नोट या सिक्के हैं जिसे आप सेल करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, यानी कि इस तरीका का जिसने भी इससे पहले यूज किया, सभी के सिक्के 2 दिन के अंदर सेल हो चुके हैं, यानी कि बायर उसके घर आया था और उसके नोट और सिक्के खरीद लिए। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार आप ऐसे एग्जीबिशन वगैरह के बारे में सुनते हैं, लेकिन एग्जीबिशन जो होता है आपके घर से दूर होता है, और ऐसे में आप अगर एग्जीबिशन में जाते हैं तो अगर आपका नोट और सिक्का सेल नहीं होता है तो आपको पैसे भी खर्च हो जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे नोट और सिक्के को सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो नोट और सिक्के रेयर होते हैं उसके जो है बायर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। बहुत ही आसान है, देखिए आप OLX पे जाएंगे, क्विकर पे जाएंगे, या कहीं भी अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। यहाँ पर भी आपको मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, और 2 मिनट के अंदर में आपको जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और आपका 2 दिन के अंदर आपके सिक्के सेल हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे जो है क्या करना है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक बेल का आइकन, इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखिए आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जी हाँ, जो कंपनी का एप्लीकेशन है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, कुछ लोगों ने इसमें ट्राई किया था और उनका जो है कोई कॉल नहीं आया कंपनी के, यानी यहाँ पे जो है उसने अपने नोट और सिक्के को डाले लेकिन वहाँ पे कोई कॉल उसे नहीं रिसीव हुआ। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है अगर आपने इसमें पहले ट्राई किया है तो। लेकिन अगर आपने पहले इसको यूज नहीं किया, इस तरीके को नहीं अपनाया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, पक्का आप इसको ज़रूर अपनाइए, क्योंकि देखिए इसमें आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, आपको पैसे भी नहीं लग रहे हैं, छोटा सा यानी कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और आप अपने नोट और सिक्के को सेल कर पाएंगे। तो देखिए एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये वीडियो टाइटल है ना, जहाँ पे लिखा हो सेल ओल्ड कॉइंस, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का लिंक मिल जाता है जिस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज एक ओपन होगा, यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड ऐप, यहाँ पे प्ले स्टोर वाला ऑप्शन आपको प्ले स्टोर के आइकन के साथ दिख जाता है डाउनलोड ऐप, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा प्ले स्टोर में। ये देखिए गूगल प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है, 10-20 लाख से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन में हैं, और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतना अच्छा ये तरीका है कि सभी का सेल हो चुका है, यानी कि लगभग कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका या तो नोट और सिक्के की फ़ोटो सही से अपलोड नहीं हुआ था, या अपलोड हो जाने के बाद अप्रूव नहीं हुआ था। उसके लिए मैं आपको बताऊँगा, अगर आपने पहले कोशिश किया है तो भी आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, और जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि 7 MB की एप्लीकेशन है, थोड़े समय में ये इंस्टॉल हो जाएगा। देख सकते हैं इंस्टॉलिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने पहले ट्राई किया था तो हो सकता है आपका नोट और सिक्के की फ़ोटो सही से अपलोड नहीं हो पाया होगा, या आपने गलत कैटेगरी में अपलोड कर दिया होगा। तो मैं आपको बताऊँगा सही कैटेगरी में कैसे अपलोड करना है। आप बस यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, अब आपका काम फिनिश हो गया है। अब आपको इसे ओपन करना है और आप अपने नोट और सिक्के की फ़ोटो लेनी है, एक फ़ोटो आपको अपने गैलरी में होगा ही, यहाँ पे आपको इसे सेंड करना है फ़ोटो, और आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है ताकि जो उधर से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सके, जो भी बायर हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसे इंस्टॉल होने देते हैं, और इंस्टॉल होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या करना होता है। तो देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है, और अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए ये ओपन हो जाएगा। देखिए आपको 7 MB की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से आपके नोट और सिक्के सेल हो जा रहे हैं, और एंड्रॉयड मोबाइल में अभी बहुत सारे स्पेस होते हैं, हम लोग कई सारे ऐसे एप्लीकेशन रखते हैं फ़ोन में जिस एप्लीकेशन का कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे फ़ोन में ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, तो क्यों ना जो काम जिस एप्लीकेशन से हो हमें उस एप्लीकेशन को भी हम रखें। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने से पहले आपको लॉगिन करना होगा फेसबुक या अपना जीमेल से। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, देखिए ऊपर आपको इंजॉय लिखा हुआ मिल जाता है, और यहाँ पे आपको दिखता है एक हेड। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं अभी जो ये मिनट वाला घूम रहा है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा लॉग इन विथ गूगल प्लस। तो देखिए यहाँ पे जीमेल आईडी जितने भी आपके पास होंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितना भी जीमेल अकाउंट होगा वो सब आ जाएगा। तो कोई भी एक अकाउंट जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपना एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जो है अपना एक अकाउंट जो है सिलेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो लॉगिन सक्सेस हो जाएगा,
और यहाँ पे आपको जो है लोकेशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, ताकि जो है बायर्स को पता चल सके कि आप जो है उसे कितने डिस्टेंस पे, ताकि आपके जो नज़दीक में बायर होंगे वो आपसे पहले खरीद लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई बायर दूर है तो हो सकता है उसे भी आने में परेशानी होगी ज़्यादा, तो वो सोचेगा कि जो उसके नज़दीक के हैं उसे खरीदेंगे, तो यहाँ पे आपको लोकेशन को अलाउ करना होगा। तो मैं लोकेशन जो है अलाउ कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप लोकेशन अलाउ कर देंगे, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। जो भी आपके जीमेल आईडी में आपका नेम होगा वो यहाँ पे ले लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो आपको यहाँ पे बैक कर लेना है थोड़ा सा, और इसके बाद यहाँ पे आप जब दो तीन बार बैक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लस दिखता होगा, प्लस का साइन, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो जैसे प्लस वाले पे आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो सभी जो भी अलाउ करने के लिए बोलेगा उसको आपको अलाउ कर देना है। तो मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। तो जैसे आप अलाउ कर देंगे, आपका गैलरी जो है ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आपको अपने नोट और सिक्के की फ़ोटो लेनी है, जो भी आप सेल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने एक सिक्के की फ़ोटो ले लेता हूँ, जो कि मेरे पास 25 पैसे के गेंदे वाला सिक्का है। इस पर लेने के बाद आपको ऊपर सही का टिक दिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले तो आपको लिखना है, दिस क्वाइन या दिस नोट जो भी आपका होगा वो आप लिख दीजिएगा, दिस क्वाइन इज फॉर सेल, ठीक है। और उसके नीचे आपको अपना नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ। और नंबर डालने के बाद आपको जो है ऊपर ये आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी लैंग्वेज पोस्ट करना होगा, तो लैंग्वेज में यहाँ पे आप ले लीजिएगा इंग्लिश, या हिंदी भी आप ले सकते हैं, हिंदी ले लीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको एग्री करने के बोलेगा, तो एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है फ़ोटो सक्सेसफुली लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो कैसे दिखेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ़ोटो जो है अपलोडिंग हो रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूँगा तो वो फ़ोटो हमें दिख जाएगा। खैर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं सॉरी होम पे आता हूँ, होम पे क्लिक करके मैं यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आईडी पे क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे आपका फोटो जो है पोस्ट हो गया रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फोटो जो है यहाँ पे सक्सेसफुली पोस्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपका जो लोकेशन होगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से जो है पोस्ट कर देंगे, और 2 दिन के अंदर आपको कॉल आ जाएगा। अगर आपको कॉल नहीं आता है, ठीक है, तो आपको जो अगर पहले आपने डाला, देखिए अंडर रिव्यू है, ये अप्रूव हो जाएगा तभी जो है आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अप्रूव नहीं होता है तो आपको क्या करना है, फिर से डालना है। लेकिन ज़्यादातर केस में 99% में जो है अप्रूव हो जाता है, एक ही बार में अप्रूव हो जाएगा और आपका नोट और सिक्के जो है सेल हो जाएगा। आसानी से आप सेल कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके पास पुराने नोट या सिक्के उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट से भी बहुत सारे लोगों का नोट और सिक्के सेल हो चुके हैं। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप लोग इसमें ज़रूर कोशिश कीजिए, अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड बाय।